वैसे सर टैप किसे कर रही है, कौन है? बड़ी हस्ती है। हमारा नाम शिव प्रकाश शुक्ला है। मंत्री जी प्रणाम, शुक्ला बोल रहे हैं। व्यवस्था कीजिए वरना कर देंगे फेमस। पूरा शहर इनके कब्जे में है। जुर्म के रास्ते कितने ही मखमली क्यों ना हो सर, खत्म तो जेल के। क्या फिर दिखेगा गरीब अमीर का फर्क? कौन से सीन्स पसंद आए ऑडियंस को? प्यार में पागल लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, इतने पागल हो जाते हैं कि आतंकवादी बनने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। नहीं नहीं, वैसे मूवी दिलजले में ऐसा हुआ था। अजय देवगन को जबरदस्ती आतंकवादी बनाया गया था क्योंकि वो मजनू बनकर घूम रहे थे और इसलिए उनके पास कोई चॉइस ही नहीं रहा बदला लेने के लिए। पर आपके लिए खुशखबरी ये है कि इसी मूवी का दूसरा पार्ट आने वाला है, ऐसी चर्चा चल रही है। वैसे दिलजले में अजय के दो अलग अलग वर्जन देखने को मिले, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। श्याम और शाका जैसे दो किरदार एक मूवी में निभाना अजय के लिए चैलेंजिंग था, पर उन्होंने वो भी करके दिखाया। पर उन्हें श्याम से शाका बनाने में मूवी के विलन का बड़ा हाथ था। विलन बने थे भारी आवाज वाले अमरीश पुरी। वैसे अमरीश पुरी डाकू बने थे पर उनकी भारी आवाज से तो वो पॉजिटिव किरदार में भी काफी खतरनाक दिखते हैं। क्या आपको पता है कि ये किरदार उनसे पहले रजा मुराद को मिला था, जिन्होंने भी कई विलन के किरदार निभाए फिल्मों में भी और टीवी सीरियल्स में भी, पर उन्हें स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर क्या, रिजेक्टेड रोल्स के मालिक ने एक्सेप्ट की और चार चांद लगा दिए मूवी को। अमरीश पुरी के पास ऐसे कई रोल्स आए जो बाकी कलाकारों ने एक तो रिजेक्ट किए या फिर उन्हें रिप्लेस किया गया। मिस्टर इंडिया के मोगाम्बो बनने के लिए भी वो तैयार नहीं थे पर उन्हें मनाना पड़ा। अपने करियर में उन्होंने सुपर विलन को मशहूर किया, पर सीक्वल में खलनायक उतना ही तगड़ा होना जरूरी है क्योंकि अमरीश पुरी ने जो काम किया है उसकी टक्कर का खलनायक ऑडियंस को देखना है। वैसे वो कौन होगा ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। मूवी में और एक बार देखने को मिली है वो है अमीर और गरीब का कंपैरिजन। देखा जाए तो 90s की फिल्मों का यही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता था ऑडियंस को इमोशनल करने के लिए। राजा हिंदुस्तानी, धड़कन और कई फिल्में इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। इस बार ऐसा शायद नहीं हो सकता क्योंकि कहानी में काफी बदलाव होंगे, अजय का किरदार काफी स्ट्रॉन्ग होगा और उनकी हसीना भी, और ऐसा फर्क दिखाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आजकल की यूथ ऑडियंस को इमोशनल ड्रामा से ज्यादा एक्शन थ्रिलर फिल्में देखना पसंद करती हैं, जो कि अजय की मूवी का USB होता है। वैसे ही दिलजले में कई ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जैसे ही लव स्टोरी हो, शाका का आतंकवादी बनने के बाद भी देश के लिए प्यार हो, एंड में तिरंगा लहराना हो, ये सारे सीन्स ऑडियंस के दिल को छू गए और इसी की वजह से अजय की एंग्री यंग मैन के साथ साथ देशभक्ति वाली इमेज बन गई। तो क्या अजय का वही कड़क अंदाज देखने को मिलेगा इस बार? आपको क्या लगता है? आप अपने ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब तक खुश रहें और सेफ रहें। थैंक यू।